इसमें है रेड क्रॉस में हनुमंते मां से चंगीराम सुमित सोनी पर पुलिस प्रशासन भी कुश्तियों का आनंद लेते हुए आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछली बार जो भारत केसरी हमारे भाई सोमवीर जी बने हैं, पिछली बार भारत केसरी भाई सोमवीर जी बने थे, इस बार उनके नाम चौधरी भजनलाल खेल रतन 2014 उनके नाम जा रहा है। अगली कुश्ती के लिए तैयार है भारत कुमार ने सोमवीर सुरेश अखाड़ा रोहतक, प्रदीप मेहर सिंह अखाड़ा रोहतक, हनुमंते मास्टर चंगीराम दिल्ली, रोहित मेहर सिंह अखाड़ा रोहतक। ये सभी पहलवान खुश हैं जिनका नाम पुकारा गया है। नहीं, एक पहलवान एक कुश्ती करेंगे, उसके बाद में हमारा मिट्टी का खाना थोड़ी देर चलेगा, क्योंकि दोनों कुश्तियों का आनंद जोरदार आना चाहिए। ये फाइनल फाइनल रख लेते हैं जी चीफ गेस्ट के लिए, ठीक है ना? या कहो तो उनको रोक देते हैं भारत कुमार को। नहीं, फाइनल जी, फाइनल दोनों जी जी टाइटल की फाइनल कुश्ती रख देते हैं। नहीं, हमारे इलाके के लिए बहुत ही मान सम्मान की बात है कि भाई चलो, अभी तक ये तो हमें विश्वास है कि हमारा भाई दूसरे नंबर पर आया है, और हमारी सभी की दुआएं हैं उसके लिए। सभी पहलवान अच्छा करते हैं, दुआएं सभी के लिए है, लेकिन देखिए फिर भी इलाके की एक बात होती है, उसके लिए हमारी सभी की दुआएं हैं कि भाई युधिष्ठिर जी ये खिताब हमारे इलाके के नाम करें। कुश्ती लड़े पहलवान, समय समाप्त, फर्स्ट राउंड का समय समाप्त। अगली कुश्ती में पहलवान तैयार है सोमवीर सुरेश अखाड़ा रोहतक रे, प्रदीप भेरसिंह अखाड़ा रोहतक ब्लू। उसे अगली कुश्ती में हनुमंते मास्टर इस कुश्ती के रोहित मेहर विजय नेताजी विजय नेताजी डेरा फतेहपुर जितेंद्र चंदेलिया जी। ईश्वर कुमार जी भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, हमारा अपना गांव है डेरे फतेहपुर, तो हाथ मिलवाएंगे कोई इस कुश्ती के। अब की बात भाई युधिष्ठिर जी सुन ले, आपके प्रदर्शन को देखकर हमारे भाई बहुत ही बड़े समाजसेवी हैं, अमर डागर जी झारसैतनी से 11,000 रुपए, अगर भारत केसरी खिताब उनके नाम जाता है तो 11,000 रुपए अमर डागर जी, और दूसरे हमारे भाई वीरेंद्र खूटेला जी की तरफ से भी 11,000 रुपए भारत केसरी अगर खिताब हमारे पलवल फरीदाबाद के नाम आता है तो उनको दिए जाएंगे। इस कुश्ती में विजय रहे एक पीपा घी दुदौला की तरफ से भाई युधिष्ठिर को, राजेंद्र ठेकेदार सिकंदरपुर से 11,000 रुपए